भारत का और रशिया का संबंध बहुत गहरा है। राजनीतिक संबंध होना, एक दूसरे देशों के साथ व्यापार रोजगार होना, ये तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन रूस में, रशिया में भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को, भारत की परंपरा को जानने का, समझने का जो अविरत प्रयास चला है, ये भारत और रशिया के सांस्कृतिक संबंधों को एक अभूतपूर्व ताकत देता है। मुझे बताया गया कि रशिया में 150 से ज्यादा भारतीय संगीत और कला की स्कूलें चलती हैं और ये रशियन नागरिक चलाते हैं। मैं अभी भारत पर अभ्यास करने वाले कुछ अध्यापकों से, स्कॉलर से मिला, इंडोलॉजी का अध्ययन करने वाले, और सब लोग मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि हम भारत का इतिहास यहां पढ़ाते हैं, भारत के वीर पुरुषों की गाथाएं पढ़ाते हैं, भारत के वीर पुरुषों की गाथाएं यहां की प्रजा को प्रेरणा देती है, और इतने उमंग से वो अपनी बातें बता रहे थे कि भारत के प्रति उनका लगाव क्या है, भारत को किस रूप में उन्होंने समझा है। हर भारतीय को गर्व हो, वो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों पूरे विश्व ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। आज पूरे विश्व में योगा के प्रति एक लगाव है और अभी एक रूसी बेटी ने योगा पर जो किताब लिखी है मुझे गिफ्ट की। योगा के एम्बेसडर के रूप में इसने पिछले साल काम किया और योगा के प्रचार के लिए वो भरपूर कोशिश कर रही है। मैंने उसे पूछा, हिंदुस्तान में आप कब गई, कहां सीखा, कैसे सीखा, वो मुझे कह रही मैं तो अभी हिंदुस्तान गई नहीं हूं, मैंने इंटरनेट से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे मैं योग में समाहित हो गई और योग ही मेरा जीवन बन गया। रशिया के अंदर 21 जून को 200 से अधिक स्थान पर योगा दिवस मनाया गया और मुझे बताया गया कि जो सार्वजनिक योगा हुए उसके सिवाय जो हुए वो तो अलग, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से हुए, कहते हैं करीब करीब 45 से 50 हजार लोग उन्होंने सार्वजनिक रूप से योगा का कार्यक्रम किया। मैं रशिया पहले भी आया हूं, मुझे अस्ट्राखान जाने का अवसर मिला था। रशिया का एक प्रांत है और गुजरात का सिस्टर स्टेट के रूप में उसके साथ एक समझौता हुआ था। अटल जी की जब सरकार थी तब मैं यहां आया था, उसके बाद भी मैं अस्ट्राखान गया था और मैंने देखा कि वहां पर आज भी एक इंडिया हाउस है और 400 साल पुराना वो इंडिया हाउस है। 1640-50 के कालखंड में जो भारत से लोग व्यापार करने के लिए आते थे, वो अपना जहाज वहां रख करके इस इंडिया हाउस में रुकते थे और दो दो चार चार छह छह महीने रुकना पड़ता था। उस जमाने में रशिया के साथ ये व्यापारिक संबंध बने थे। उस जमाने में डायमंड का कारोबार रशिया के साथ भारत का चलता था। रशिया के स्कॉलर
300 साल 400 साल पहले भारत में जाया करते थे, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और आपने देखा होगा कि रशियन भाषा में संस्कृत शब्दों का बड़ा प्रभाव है, एक प्रकार से संस्कृत भाषाओं के जुड़वा भाषाओं के रूप में रशिया निकट लगती है, रूसी भाषा अपनेपन वाली लगती है। बहुत सारे शब्द हैं, हम डोर कहें तो उनके मन में सवाल उठता है, द्वार कहे तो उनको पता चलता है कि मैं क्या कह रहा हूं, हम टी बोले तो उनको आश्चर्य होता है, चाय बोले तो उनको लगता है हां ये सही बोल रहा है। और इसलिए मुझे याद है, मैं अस्ताम खान के गवर्नर से एक बार मिला तो वाटरमेलन की चर्चा हो रही थी, तो वाटरमेलन समझ नहीं आया, मैंने तरबूज कहा, हां बोले तरबूज ठीक है, उनको तरबूज समझ आ गया। यानी इतने इतने शब्द हमारे सहज रूप से इनके साथ जुड़े हुए हैं, इतनी निकटता हमारी इनके साथ जुड़ी हुई है। और आज वैश्विक परिवेश में अगर देखें, आंख बंद करके कोई कह सकता है इस दुनिया में हर पल, चाहे संकट का कालखंड हो या सुविधा का कालखंड हो, कोई एक देश बिना झिझक को अगर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा तो उस देश का नाम है रशिया। हम युद्ध के समय जब संकट से गुजर रहे थे तब यही देश था जिसने हमारी मदद की और हमारे जाबाज जवान युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करके वापस आए। रूस भारत के साथ सदा सर्वदा एक शक्ति के रूप में खड़ा रहा और ये शक्ति मित्रता की शक्ति है, दोस्ती की शक्ति है, जिसमें लेन देन का कारोबार कम है लेकिन एक दूसरे के लिए खड़े रहना ये रशिया ने करके दिखाया है। जब विश्व में महासत्ताओं की बोलबाला थी, महासत्ताओं की इच्छा पर दुनिया इधर उधर जा सकती थी, ऐसे समय भी भारत जो कि एक गरीब देश रहा उसके साथ रूस ने अपना नाता बनाए रखा और आज भी कायम रखा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जब विश्व में भारत को किसी की जरूरत पड़ी, विश्व के पटल पर रशिया हमेशा हमेशा भारत के साथ एक मजबूती के साथ खड़ा रहा और दुनिया के अंदर भारत की आवाज बुलंद बनाने में रशिया की मदद हमेशा काम आई। आज बहुत बड़ी मात्रा में भारत के विद्यार्थी रशिया में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उनको यहां अपनापन लगने लगा है। लेकिन जितनी मात्रा में भारत में रूसी नागरिकों का टूरिस्ट के नाते आना होना चाहिए उतना अभी होना बाकी है। रशियन आर द बेस्ट टूरिस्ट, वो साल भर का अपना कार्यक्रम मनाते हैं कि 10 दिन जाना है न जाना, 15 दिन जाना है न जाना। मैं सभी भारतवासियों से आग्रह करूंगा कि आप यहां आए हैं, एक काम जरूर कीजिए,
कि हर वर्ष आपके प्रयत्न से कम 5 ऋषि परिवार भारत में टूरिस्ट के नाते जाएं। आप देखिए लाखों की तादाद में रूसी नागरिक भारत में टूरिस्ट के नाते जाएंगे। भारत के प्रति उनका आकर्षण है। ये हमारा काम है कि हम एक बार दरवाजे खोल के उनको ले चले, उंगली पकड़ के चल पड़े, और एक बार सिलसिला चल पड़ा तो 10 साल 20 साल लगातार वो चलता रहता है। टूरिस्ट आते रहते हैं, और टूरिस्ट जब आते हैं तब सिर्फ वहां देख करके आते नहीं हैं, अपने साथ भारत की यादें लेकर के आते हैं। जो यादें यहां पर बोई जाती हैं और उसमें संबंधों के वृक्ष पैदा होते हैं, जहां पर कभी शांति और मित्रता की हमें छाया मिलती रहती है, और इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि रशिया से भारत में अधिकतम लोग टूरिस्ट के रूप में कैसे आए। हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए, जिस देश के नागरिकों को भारत के प्रति इतना लगाव हो, उनको भारत दिखाना, भारत की ओर आकर्षित करना, भारत को देखने के लिए प्रेरित करना, ये हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। और मैं विशेष रूप से रशिया में आकर के रहने वाले मेरे भारतीय भाइयों को, नौजवानों को विशेष आग्रह करता हूं कि इस काम को हम करें। आज पूरे विश्व में भारत के आर्थिक विकास की चर्चा हो रही है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हो, हर कोई एक स्वर से कहता है कि आज दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमीज है, इसमें सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली कोई इकोनॉमी है तो उसका नाम है हिंदुस्तान। बीसवीं सदी के अंत में ये चर्चा होती थी कि 21वीं सदी एशिया की सदी बनेगी। दुनिया ने मान लिया था कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, लेकिन दुनिया ये तय नहीं कर पाती थी कि 21वीं सदी का नेतृत्व करने वाले लोग कौन होंगे। आज 21वीं सदी के दूसरे दशक में विश्व जिस प्रकार से भारत की ओर देख रहा है, इशारा साफ साफ है कि हिंदुस्तान 21वीं सदी में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। आर्थिक रूप से भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, भारत एक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ साल पहले दुनिया की नजरों में भारत एक बाजार था। विश्व को लगता था कि हम हिंदुस्तान जाएंगे, माल बेचेंगे, कमाएंगे, क्योंकि भारत में खरीदार बहुत है। लेकिन आज 21वीं सदी के दूसरे दशक आते आते स्थिति बदल रही है। कल तक जिनको भारत बाजार लगता था, वो आज लोगों को भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, भारत दुनिया की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, ऐसी ताकत बन के उभर सकता है, इस तरफ लोगों की नजर गई है। और हमारी भी कोशिश है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कैसे आगे बढ़े। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करते हैं तो हवा में नहीं करते, भारत के पास ये सामर्थ्य है और सदियों पहले था भी। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया ऐसे थोड़ा कहा गया होगा।
कुछ तो होगा हमारे पास, लेकिन गुलामी के कालखंड में सब लूट चुका। अब हमारी जिम्मेवारी है कि यह देश फिर से ताकतवर बनकर के खड़ा हो जाए, और संभावना पूरी है। भारत एक संभावनाओं का देश है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, इतनी बड़ी तादाद में करीब करीब 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, जो देश इतना जवान हो, उसके सपने भी जवान होते हैं, उसके इरादे भी जवान होते हैं, और वो इन चीजों को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। भारत के सपने जाग चुके हैं, भारत का नौजवान जाग चुका है, भारत आगे बढ़ने का संकल्प ले चुका है, और 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है जिसने एक बार ठान ली, अगर एक हिंदुस्तानी एक कदम चलता है तो हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम चलने पड़ता है। और यही कारण है कि भारत आज विकास की नई राह पर चला है। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास समस्याएं नहीं है, दुनिया के समृद्ध देश के पास भी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुबह शाम समस्याओं को गिनते गिनते रोते रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजते हैं और आगे के लिए चल पड़ते हैं। आज हिंदुस्तान समस्याओं के रास्ते खोज रहा है, आज आगे चलने के इशारे इरादे से चल पड़ रहा है, और उसका परिणाम नजर आ रहा है। पिछले एक साल के भीतर भीतर विश्व के देशों ने, विश्व के उद्योग जगत ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% वृद्धि होना, एक साल में 40% इंक्रीज, ये छोटी घटना नहीं है। और दुनिया में अगर कुछ दम नहीं दिखता है तो कोई रुपया डालेगा क्या? हम भी डालेंगे क्या? यहां जो आप मेरे भारत के लोग रहते हैं, आपको भी अगर भरोसा ना हो तो कहीं 5 रुपया भी डालोगे क्या? जब भरोसा होता है कि जो डाल रहे तो रिटर्न मिलने वाला है, एश्योरेंस पक्का लगता है, रुपयों की सिक्योरिटी नजर आती है, तब लोग रुपये डालने की कोशिश करते हैं। आज लोग भारत में रुपये डाल रहे हैं, उसका कारण है कि उनको विश्वास हो चुका है कि अब यही एक जगह है जहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं। विश्व के पूंजी निवेश से हम भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। हमने रेलवे को 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन अप कर दिया है। भारत की वो रेलवे अब आधुनिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसकी गति बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? ट्रेन का रूप रंग रूप कुछ बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? दूर दूर तक हमारी रेल जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हम सिर्फ यही कहे हमारी रेल इतनी पुरानी है, इतने समय से चल रही है, ये गीत गाने से नहीं चलता है, संकल्प लेकर के आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है। और इसलिए और तब जाकर के रेलवे में दुनिया के लोग पूंजी निवेश के लिए आ रहे हैं। अभी जापान के साथ भारत में एक
एग्रीमेंट हुआ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का, जापान बहुत कम ब्याज से 0.1% धन लगाएगा, करीब 1 लाख करोड़ रुपया लगाएगा, और 1 लाख करोड़ रुपया लगेगा तो रोजी रोटी तो वहीं लोगों को मिलने वाली है, हिंदुस्तान के लोगों को मिलने वाली है। देश बदल भी सकता है। रशिया हमारे यहां अणु विद्युत पे काम कर रहा है और आने वाले दिनों में न्यूक्लियर एनर्जी पर बहुत बड़ी मात्रा में आज हमारा उनके साथ समझौता हुआ है। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खोजने का प्रयास भारत और रशिया मिलकर के कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में मानव जाति का कल्याण होने वाला है। तो हम एक विकास को आधुनिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, और विकास का लाभ भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसे मिले ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इसलिए एक तरफ आर्थिक विकास हो और दूसरी तरफ सामाजिक शक्ति में बढ़ावा हो, ताकि एक एक गरीब से गरीब परिवार भी आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान बने, तभी जाकर के देश की जड़ें मजबूत होगी। और इसलिए इन दोनों दिशाओं में आज भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नरत हैं, और उसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं, उसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आज विश्व में कोई भी निर्णय होता है, उस निर्णय में भारत की भी कोई न कोई भूमिका होती है, वरना हमारी क्या भूमिका रहती थी? हम एक मूक दर्शक रहते थे और देखते हैं दुनिया इधर जा रही है कि इधर जा रही है, इधर गई तो ठीक है, उधर गई तो ठीक है, हम देखते रहते थे। आज ऐसा नहीं है, आज दुनिया देखती है ये कर रहे हैं, लेकिन पहला देखो तो सही भारत क्या सोच रहा है, क्या भारत साथ चलेगा क्या? भारत ने अपने विश्व में एक जगह बनाई है, और उस जगह को लेकर के आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व में अब नजरिया बदल रहा है। 30 साल से दुनिया को डंके की चोट पर हिंदुस्तान कहता रहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, और जो जो मानवता में विश्वास करते हैं उन सब ने एक आना चाहिए और एक बन करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तब दुनिया को हमारी बात गले नहीं उतरती थी, उनको लगता था कि ये तो आपके देश का प्रॉब्लम है। हम दुनिया को समझा समझा करके थक गए कि आतंकवाद को न कोई सीमाएं होती हैं, न कोई समय होता है, न ही उसका कोई टारगेट तय होता है। वो कहीं पर भी धमक सकता है, वो निर्दोषों को मारने पर तुला हुआ है। 30 साल तक हमारी बात जो मानी नहीं, आज आतंकवादियों ने के करतूतों ने, उनकी बेरहमी ने, निर्दोषों पर हो रहे उनके जुल्म के तरकत और तरीके ने पूरे विश्व को झकझोर दिया, और पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की उस बात को मानने के लिए मजबूर हुई है कि आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है, और मानवता में विश्वास करने वालों को एक आना अनिवार्य हो गया है। ये बात आज दुनिया के गले उतारने में हिंदुस्तान सफल हुआ है। हर कोई आतंकवाद से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, और समय की मांग है कि मानवतावादी शक्तियां एक आएं,
आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प करें, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सहयोग करें, कंधे से कंधा मिलाकर के मानवतावादी शक्तियां अगर खड़ी हो जाएगी तो आतंकवाद को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और उस रास्ते पर भारत और रशिया मिलकर के काम कर रहे हैं। रशिया की हमारी दोस्ती एक समान सोच पर इस पर आगे बढ़ रही है और जिसका विश्व को लाभ होने वाला है। भाइयों बहनों, भारत और रशिया के संबंध अब एक सेंट्रल एशिया का एक नया ताकत के रूप में उभर रहे हैं और सेंट्रल एशिया की ताकत अनेक क्षेत्रों में, अनेक भूभाग में आर्थिक संपन्नता का एक नया कारण बन सकती है। किसी जमाने में यूरोपियन यूनियन की चर्चा होती थी, किसी जमाने में आसियान कंट्रीज की चर्चा होती थी, वो दिन दूर नहीं होगा जब दुनिया में यूरेशिया की चर्चा होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी ताकतवर इकाई खड़ी होगी जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े भूभाग में संतुलन का कारण बनेगी, आर्थिक विकास के लिए कैटलिस्ट एजेंट बनेगी और सुख और शांति की खोज में मिल बैठकर के जगह के लिए एक नया मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। ये मैं नजर देख रहा हूं। आज प्रेसिडेंट पुतिन के साथ यूरेशिया की भविष्य के संबंध में मेरी काफी विस्तार से बातें हुई हैं। अपार संभावनाओं को हमने तराशा है और आगे आने वाले दिनों में मिल बैठ करके यूरेशिया के रूप से एक शक्ति रूप बने, विकास के अवसरों को प्रदान करने का कारण कैसे बने, परिस्थिति पलटने के लिए साथ मिलकर के कैसा परिणाम लाया जा सकता है, उस दिशा में हमने विस्तार से बातें की है, योजनाएं सोची है जिसका परिणाम आने वाले दिनों में नजर आने वाला है। मेरी ये यात्रा बहुत कम समय की थी, कल रात को आया और अभी चला जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं इतने कम समय में बहुत ही सफल, बहुत ही फलदायी, बहुत ही परिणामकारी ये यात्रा रही है। मैं रशिया का, रशियन सरकार का गर्मजोशी से हम लोगों का स्वागत सम्मान करने के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपने जिस प्यार से ऋषि कलाकारों ने भारत भक्ति के दर्शन किए, दर्शन कराए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।